सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कला नेरी में। तो मैं अभी थोड़ा गार्डन में काम कर रही थी, मुझे ध्यान में आया कि छोटी सी बात है बट इग्नोर करने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा प्लांट पर ये बहुत ही बुरा असर डाल सकती है, बड़ा ही भद्दे लग सकते हैं हमारे प्लांट अगर ये छोटी सी बात पर हम ध्यान ना दें। छोटी सी है बट बहुत ही काम की है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये खजूर वाला पाम, फिनॉक्स पाम बोलते हैं इसको, और आप गौर से इसको देखिए। गौर से मतलब ये जो बढ़त हो रही है इसकी, आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के और इसका इस तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है। तो ये झुकाव इस तरह के जो पौधे होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते हैं, जैसे पाम हैं सारे, खजूर पाम हैं, बाकी पाम हैं, ड्रेसिना हैं, तो ये किस तरफ बढ़ते हैं? जिस तरफ सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, मतलब पूरे दिन भर सूरज का प्रकाश जिस दिशा में रहेगा उस तरफ पौधे मुड़ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि अगर गमले में है तो गमले का डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें। अब जैसे ये इस तरफ बढ़ रहा है तो हम ये इस तरफ झुकावे इसको इस तरफ कर देंगे, गमले को घुमा देंगे हम, ठीक है, अपोजिट कर देंगे। अगर मिट्टी में है लगा हुआ तो उसको फिर हम किसी रस्सी से, धागे से, उस प्लांट को जैसे इस तरफ है तो इसको इधर धागे से हम किसी चीज़ से बांध देंगे तो वो सीधा बढ़ेगा, ठीक है, या किसी लाठी या कुछ भी लगा करके मिट्टी में उससे हम उसको बांध देंगे तो सीधा उसकी सीधी बढ़त जाएगी। तो हम इसको पहले तो घुमा देते हैं। देखिए अब ये काफ़ी भारी है, गीली है मिट्टी, तो इसको मैं घुमा देती हूँ। मैं 3-4 बार घुमा दिया है इसको, अब आपको साफ नज़र आएगा ये झुका हुआ है इस तरफ, इसको मैंने पूरा अपोजिट कर दिया है, ये देखिए, और इस तरफ इसके पत्तियों का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ झुकाव है, इधर नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात है कि पाम में जितना भी पाम है उसमें जो नीचे टहनियाँ ऊपर से नई नई आती हैं और नीचे की जो पुरानी टहनियाँ हैं, ड्रेसिना में भी यही होता है, पाम जितने भी पाम हैं यही होता है, तो इन जो पुरानी होती जाएंगी उनको हम कट करते जाएंगे, किसी भी कटर से, कैंची से, सभी को हम कट कर देंगे, साफ़ कर देंगे, और ये जो रेशे डाले हैं अगर आराम से हो रहे हैं, जो सूखते जा रहे हैं उनको हम साफ़ करते जाएंगे, और ये जो जड़ें हैं नीचे की उनको भी हम थोड़ा थोड़ा जितनी होती हैं ईजी वे में वही साफ़ करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी बात, काम की बात आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, और इसको मैं हटा दूंगी अभी। तो आपको कैसा लगा ये छोटी सी मेरी टिप्स बट बड़े काम की, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।